हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आरती यादव व्लॉग्स। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी काफ़ी अच्छी हूँ। सो गाइस, पसीने पसीने हो रही हूँ मैं। अभी मैंने मायरा की मालिश की थी थोड़ी देर पहले तेल से अच्छे से, और फिर उसे अभी नहलाया है। अभी वो फीड कर रही है, सोने के लिए रो रही है। और आज मेरा बहुत ज़्यादा मन है वाइट पुलाव खाने का, हल्दी के बिना जो बनते हैं बहुत टेस्टी लगते हैं। पता नहीं सुबह से ही क्रेविंग हो रही है उन्हें खाने की। तो मैंने कुंदन अंकल को बोल के सारी सब्जियाँ कट कराई हैं, प्याज टमाटर धनिया वगैरह, यो मिर्ची धनिया भी करेंगे अंकल। और यहाँ पे तेल चढ़ाया कुकर में और मैं खुद बनाने वाली हूँ। मैंने अंकल को आप कटिंग कर दो, मैं बनाऊँगी। तो बनाते हैं। सो चलो, मैंने सोचा व्लॉग भी स्टार्ट कर लें। व्लॉग भी करेंगे अपना साथ के साथ, डेली आप लोग मांगते हो तो करते हैं। तो चलो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। धनिया तो कट गया, मैं सोच रही कटानी है। और बाकी सबने रोटियां खा लिया, इसलिए हमारी किचन थोड़ी फैली हुई है अभी क्योंकि खाना बना और सबने खाया है। और मैं जस्ट, मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही है, तो मैंने कहा मैं भी बना लेती हूँ। तो करते हैं शुरुआत। चलो गाइस, मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर बाद। अंकल से हाय। हेलो। यहाँ पे ब्लर आ रहा है क्योंकि लाइट उस साइड है ऐसे। सो गाइज, यहाँ पे मेरे वाइट पुलाव बन चुके हैं विदाउट हल्दी वाले, और ये सच में बहुत टेस्टी बने। मैं थोड़े से खा चुकी हूँ। मैंने मम्मी को, ओए मायरा उठ गई, एक मिनट। हेलो एवरीवन। सो गाइज, अभी टाइम हो रहा है रात के 1:30 बज रहे हैं, मुझे नींद नहीं आ रही है। और पता नहीं मायरा और पूजा दी भी चले गए आज घर पे, नोएडा चले गए वो दोनों। शाम के टाइम 6 बजे चले गए थे। मैंने व्लॉग नहीं बनाया, मैंने मतलब मैं उस टाइम ना सो के उठी थी और वो लोग जा रहे थे पूजा दी और मायरा, तो मैंने व्लॉग वगैरह नहीं बनाया। मैं सो के उठी और मैं सीधा उसके साथ नीचे, मतलब वो जा ही रही थी, गेट पे ही थी, तो मैं मायरू से नहीं मिली थी। मैंने कहा एक बार मैं मायरू से मिल लूँ। मैं नीचे भाग गई फटाफट, क्योंकि प्रिंस पहले ही ले गया था मायरा को नीचे। तो फिर मैं फटाफट से नीचे भागी और मायरा से मिल के आई। तो उस टाइम इतना ध्यान नहीं रहा, व्लॉग नहीं बनाया मैंने, शूट नहीं किया, और तब से बनाया ही नहीं व्लॉग। पता नहीं मैंने नहीं किया। फिर मायरा चली गई, तो आप लोगों को पता ही है मायरा के जाने के बाद हमारे घर में सन्नाटा छा जाता है, बिल्कुल बहुत शांति हो जाती है। तो आज रूम में भी अकेले पड़ी हूँ। आप लोगों ने उसकी हरकतें, यार एक्चुअली पता है उसे सबसे ज़्यादा मिस हम लोग क्यों करते हैं, उसकी हरकतें ऐसी होती जा रही हैं, मतलब वो जैसे जैसे बड़ी हो रही है ना, इतनी क्यूट क्यूट हरकतें करती है उसके साथ खेलने में। ये वाला टाइम है उसके साथ, मतलब टाइम स्पेंड करने में बहुत मज़ा आता है। मैं पता है सीरियसली उसके साथ होती हूँ तो पूरा पूरा दिन मैं फ़ोन तक नहीं देखती उसके साथ, पूरा पूरा दिन ऐसे निकल जाता है, पता ही नहीं चलता खेलने में। तो उसकी हरकतों की वजह से उसे बहुत ज़्यादा मिस किया जाता है। बाकी घर में सन्नाटा हो चुका है, कोई बात नहीं, जल्दी बुला लेंगे दोबारा मिलने के लिए। तो गाइज, आप लोग देख रहे हो आज मेरी थोड़ी सी ये वाली आई स्वेल हो रही है, ज़्यादा नहीं हो रही, थोड़ी सी हो रही है इसमें। पता नहीं कल से जब मैं आई हूँ ना पार्टी से, शायद मे बी मैंने कल पार्टी में लाइनर लगा लिया था। मैं वैसे लगाती नहीं हूँ बट मैंने कल लगा लिया था। तो मैं घर आई, मैंने फेस वॉश किया, उसके बाद इसमें ना बहुत ज़्यादा खुजली इचिंग हो रही थी, तो मैं इसमें ऐसे 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 करके खुजली करी जा रही थी। तो तब से ये थोड़ी सी स्वेल हो गई थी, बाकी ठीक है। दवाई मंगवा ली मैंने, दवाई खा रही हो ही नहीं, दवाई से मेरा पहले भी ठीक हुआ था, बाकी हो जाएगा ठीक। सो चलो, अब 1:30 बज गया यार, अब तक नींद नहीं आ रही थी, फ़ोन चला रही थी, कभी वीडियो देख रही हूँ, कभी कुछ चला रही हूँ, कभी कुछ चला रही हूँ, बट अब सो जाते हैं। फिर सुबह आँख नहीं खुलती, लेट उठते हैं फिर, तो अब सो जाते हैं। चलो फिर गाइज़, आप लोग भी सो जाओ, सॉरी, तो अब आप लोग भी सो जाओ, गुड नाइट। काफ़ी सारे लोग आप में से सो गए होंगे, आप लोग सुबह देखोगे। सो चलो मिलते हैं सुबह मॉर्निंग में, गुड नाइट एवरीवन। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो गाइस आज है राधा अष्टमी और मम्मी और भाभी दोनों ने फास्ट रखा है। मेरी आँख ठीक है पहले से, अभी थोड़ी सी ठीक है, पहले से ठीक है। तो इन दोनों ने फास्ट रखा है, पता नहीं इन दोनों में यार कल से नहीं पता था इन्हें फास्ट रखना है, आज फास्ट रखा है। आज ही कहती है लक्ष्मी नगर से सामान वामान लाना है, दोगढ़ वगैरह कर, दोगढ़ रखेगा, जय घर मतलब जो भी है, कान्हा जी के कपड़े वगैरह तो लेकर आते हैं। लक्ष्मी नगर जा रहे हैं हम दोनों, 11 बज चुके हैं, सामान लेके आते हैं फिर मिलते हैं। गाइस मार्केट तो हम लोग आ गए, पर जिस शॉप से हम लोग सामान लेते हैं वो शॉप ही बंद है,
और मैं भाभी को यही बोल रही थी आते हुए, मैंने कहा सोचो हम इतनी जल्दी जा रहे हैं, 11:30 बज रहे हैं और शॉप ही बंद हो, देख लो। और वही हुआ, तो अभी हमने उनका श्रृंगार का सामान ले लिया, कपड़े देख रहे हैं किसी और शॉप से, तो देखते हैं फिर। चलो ये शॉप पे हम लोग आए हैं लड्डू की ड्रेस लेने, देख रहे हैं अभी, ये ऊपर इनका स्टोर है, नीचे शॉप है, तो इन पे सब कुछ है। चलो ड्रेस लेते हैं, मैं नहा धो के मैं जल्दी उठते ही नहा लिया, आज मैंने कुछ खाया पिया भी नहीं है, उठते ही नहा ली सीधा। सो गाइस हम लोग आ चुके हैं घर पे और यहाँ पे लड्डू नहा रहे हैं, लड्डू राधा, हमने छोटे वाले लड्डू को राधा बना रहे हैं आज, इनका बर्थडे बनाएंगे आज। और अभी लड्डू भी तैयार होंगे, भाभी यहाँ नहला रही हैं, कर रही हैं, मैं मम्मी को नहला दूँ इतने। और ये हम पाल लाए हैं राधा रानी के, बहुत सुंदर, अभी रेडी हो जाएंगे पूरे तब दिखाएंगे आप लोगों को। तो चलो चलते हैं फटाफट, तब तक मम्मी का नहला देते हैं। बिंदी ये वाली लगानी हो तो ये लगा देना, पिंक वाली। गाइज हमारी राधा रानी छोटू सी तैयार हो गई है, इनका टीका मैंने ठीक किया है, अभी ठीक नहीं बैठ रहा था, देखो कितनी प्यारी लग रही है, नजर ना लगे भाई तू तू तू। गाइज यहाँ पे प्रसाद आ चुका है, भंडारा हो रहा था, मतलब हमारे ये अंकल हैं पीछे गली में, वो उन्होंने करवाया, पापा के बहुत अच्छे फ्रेंड हैं, तो उन्होंने कड़ी चावल का भंडारा कराया और हलवा बहुत यम्मी है, भंडारा तो अलग ही टेस्ट होता है, मजा आ गया। गाइज मैं थोड़ी देर के लिए सो गई थी, फिर मैं सो के उठी तो इन लोगों की पूजा वगैरह चल रही थी मतलब, और फिर मैं लेके आई राधा रानी के लिए केक, बहुत ही प्यारा सा छोटा सा केक लाई हूँ, अभी दिखाऊंगी। सो अब करेंगे केक कटिंग, यहाँ पे हमारी राधा रानी भी आ चुकी है, देखो अभी लड्डू जी भी आ रहे हैं, तो सबके साथ करेंगे केक कटिंग। एंड पापा जी अभी घर पर नहीं है, पापा थोड़ा लेट आएंगे, तो हम लोगों ने सोचा हम ही कर लेते हैं तीनों मिलके, सब हम करेंगे केक कटिंग। हम पहली बार राधाष्टमी बना रहे हैं, पहली बार, कभी नहीं मनाई, फर्स्ट टाइम। पंखा बंद कर दू क्या, उड़ रहे हैं गाइज। ये है हमारा छोटू सा केक राधा रानी के लिए, वो तो चला दे। गाइस यहाँ पे हमने केक लगा लिया और अब करते हैं केक कटिंग स्टार्ट। अंकल ये लो आप वीडियो बना लेना, एक लगा ही जाना, अब पता कैसे बनाना मैं बता रही हूँ, देखो ऐसे पहले पास से बनाना, पत्नी को केक ना कटवा क्या है, चुप रहो मैं बताऊंगी उसको, एक मिनट रुको, ये जलाओ, रुक जाओ अभी ये स्टार्ट करो, ये केक कटिंग पे स्टार्ट करना है, तुम्हारी माचिस ना मेरे से जलती ना, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे लाडली। चलो अब इनको भोग लगाओ, तुम तो अभी खा नहीं सकते, तुम्हारा व्रत है, बस अंकल अच्छी भी बनाइए। हाँ अच्छी बने, दोबारा बना देंगे,
केक कटिंग के बाद हमने मतलब मम्मी और भाभी ने अपना व्रत भी खोल लिया, मैंने भी प्रसाद खा लिया था, सभी लोगों ने प्रसाद खा लिया। सो अब हो रहा है सोने का टाइम, 10:30 बज रहे हैं। अभी मेरे को नींद तो नहीं आ रही, मैं थोड़ा देर फ़ोन चलाऊंगी, पर मम्मी के सोने का टाइम हो गया है। सो चलो इसी के साथ करते हैं इस वाले व्लॉग का एंड। एंड गाइज, आप लोगों को ये वाला व्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताना। हम लोगों ने पहली बार राधा अष्टमी बनाई है, मतलब हमें नहीं पता था, बट जैसा जैसा थोड़ा थोड़ा पता चला वैसे वैसे कर दिया। तो जैसा भी हुआ, बाकी नेक्स्ट टाइम हम बहुत जल्दी, हमने सोचा है हम राधा रानी लेकर भी आएंगे। ये तो हमने हमारे छोटे लड्डू गोपाल थे जिन्हें राधा बना दिया, तो जल्दी लेकर आएंगे। बरसाने जाएंगे तो वहाँ से राधा रानी ज़रूर लेकर आएंगे। सो चलो ये वाला ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताना। तो इसी के साथ करते हैं इस वाले ब्लॉग का एंड। लाइक शेयर कॉमेंट, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। चाचा बाय बाय, लव यू ऑल, गुड नाइट गाइस। सो जाओ आप सभी।